हिमाचल हाईकोर्ट में शिमला के जंजीड़ी व नूरपुर स्कूल बस हादसे को लेकर सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश पी रामा सुब्रमण्यन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की अदालत में आधा घंटे तक चली सुनवाई के दौरान 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर कमेटी को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं। कमेटी इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्य जसवंत सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है। सड़कों की स्थिति पर कमेटी में उनका सहयोग पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर सतीश सागर व पथ परिवहन निगम पूर्व जीएम राजीव गुप्ता करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट से इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें कि इन फ्यूचर अच्छी प्रपोजल्स आए और अच्छे रोड्स बने और ऐसी मिस हैपनिंग आइंदा ना हो। आज से हम इसके ऊपर अपना कार्य शुरू करते हैं। सर, कोर्ट ने आपको अनुभव के आधार में लिया क्योंकि आपके पास अनुभव, तो अभी फिलहाल आपको पहली दृष्टि में क्या लगता है कि हिमाचल में हादसों के कारण क्या वजह रही हो? इसमें कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है कि ये एक्सीडेंट होते, सो मेनी रीजंस आर देयर। फिर भी उनको हम स्टडी करेंगे, हमारे साथ और भी टीम के मेंबर्स हैं, जो भी हमारे हिमाचल के हित में रहेगा, एक्सीडेंट्स कैसे कंट्रोल किए जाएं, कैसे ये बच्चे बुजुर्ग औरतें कोई ना मरे, किसी की डेथ ना हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, रोड्स किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम इसमें और मेरी टीम इसमें पूरी कोशिश करेगी। हाईकोर्ट को सर कब तक रिपोर्ट करनी है आपने? इन्होंने हमें हाईकोर्ट से हमें 2 वीक का टाइम मिला है, तो उसके बीच में हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। और 2 नेस्ते से कौन कौन से होंगे सर आपके अलावा? हमारे साथ चीफ इंजीनियर रिटायर्ड सतीश सागर जी होंगे, रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ कमलेश कुमार गुप्ता जी होंगे और 2-3 लोग और भी रहेंगे जी। तो आप लोग से इसको रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करके धरातल पे जाकर लोगों से पूछेंगे, क्या रहेगा बेसिस का? टेक्निकली हम खुद ही इसमें देखेंगे, बाकी तो जो वहाँ की इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक है, रोड्स बस लाइक है या कैब लाइक है, वो हम सब स्टडी करेंगे। इसमें डिटेल्स पूरी लाके आपको 2 हफ्ते के बाद हम कन्फर्म कर देंगे। थैंक यू आपका।